या तो मनीष कश्यप छूट जाता, रिहा हो जाता, NSA ख़त्म हो जाती, रासुका ख़त्म हो जाती, बेल हो जाती, डिस्चार्ज हो जाता, बरी हो जाता, घर आ जाता, छोड़ दिया जाता। जब ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जिनकी वजह से सामान छोड़ा, अब घर तो असुरक्षित हो गया, प्यासे तो 5-6 महीने रह लिए, जब इतने दिन प्यासे रह लिए तो और प्यासे रह लेते, जब गर्मी निकल गई तो अब तो सावन आ गया है। मनीष कश्यप के जो माता जी है वो तरह तरह के जो है सरकार पर आरोप लगा, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से जो है अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे मामला देखा जा रहा है जिसमें किसी भी पत्रकार के ऊपर जो है अचानक से FIR कर दिया जा रहा है। हमारे देश के कानून व्यवस्था ऐसा है कि उसके सुनवाई में कई एक महीना लगा। 18 मार्च का दिन और मनीष कश्यप के आत्मसमर्पण करने से कुछ देर पहले उसके घर का कुर्ती जब्ती कर लिया जाता है। ऐसे में अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर है। आखिरकार जो है कल यानी कि 20 अगस्त को जो है उसका जो कुर्ती जब्ती का जो सामान था उसे जो है वापिस कर दिया जाता है, आखिरकार क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ वजह हो सकता है, इसी सब पर बात करेंगे। स्वागत है सर जी। नमस्कार। कल 18 मार्च के दिन जो है मनीष कश्यप के घर का जो है कुर्ती जब्ती होता है और कल जो है 20 अगस्त यानी कि 4-5 महीने बाद जो है उस सारे सामान को जो है वापस कर दिया जाता है, क्या वजह हो सकती है? वजह तो कुछ नहीं हो सकती, वजह तो ये है कि राजनीति है वजह, लोकप्रियता ही वजह, मनीष कश्यप का लोगों के प्रति प्यार है वजह, ये वजह है, वजह और कुछ नहीं है। और वो दिख रही है जब मनीष कश्यप सरेंडर हो गया तब क्या मतलब था कुर्की जब्ती। और मैं उससे भी बड़ी बात कहता हूँ, आपको कुर्की जब्ती दिखानी थी, आपने उसका बैंक अकाउंट सीज किया, आप बैंक अकाउंट अपने में डाल लेते कि अब आपका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट में ले रहे हैं, ख़त्म हो जाता उसका पैसा। लेकिन नल योजना, जलकल योजना, हैंडपम्प को उखाड़ के ले जाना, पहले आना, मतलब कैसे हाथ रहे होंगे, कैसा सिस्टम रहा होगा, पहले उसी नल का पानी पिया और फिर उसी नल को उखाड़ के ले गए, पता नहीं पानी में भी तो नमक होता है, लवण होता है, नल का जो अंदर का जो पाइप होता है पाइप सहित उखाड़ ले गए। जलकल योजना हमें पानी देने की योजना बनाती है, जलकल योजना हमें प्यास बुझाने के लिए बनाती है। हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी हैं, जल मंत्री हैं देश के, वो घर घर पानी की योजना के लिए मोदी जी, योगी जी और नीतीश कुमार जी खुद चाहते हैं कि बिहार में, प्रदेश में, देश में हर घर में पानी पहुंचे, स्वच्छ पानी पहुंचे। लेकिन वहीं स्वच्छ पानी का वादा और स्वच्छ पानी की बात करने वाले लोगों ने उस घर से पानी भी, नल भी उखाड़ा। बहुत सारे जो है मनीष कश्यप के जो समर्थक है वो लोग जो है यह सवाल जो है पूछ रहा है कि आखिरकार अब तक जो है मनीष कश्यप का रिहाई नहीं हुआ और आखिर क्या वजह रहा जिसके कारण जो मनीष कश्यप को के जो कुर्ती जब्ती का जो सामान था उसे वापस कर दिया। हाँ, या तो सामान अब जमे रहने देते। हाँ। वापस होने का क्या मतलब, या तो मनीष कश्यप छूट जाता, रिहा हो जाता, NSA ख़त्म हो जाती, रासुका ख़त्म हो जाती, बेल हो जाती, डिस्चार्ज हो जाता, बरी हो जाता, घर आ जाता, छोड़ दिया जाता। जब ऐसा भी कुछ नहीं हुआ तो बीच में ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जिनकी वजह से सामान छोड़ा, अब घर तो असुरक्षित हो गया, प्यासे तो 5-6 महीने रह लिए, जब इतने दिन प्यासे रह लिए तो और प्यासे रह लेते, जब गर्मी निकल गई तो अब तो सावन आ गया है। तो फिर ये तो चीज़ देख, हमारे देश में वर्षों बाद ये जलकल योजना आई, हमने बिहार में देखा है एक ही पोखर एक ही तालाब में लोग पानी पीते हैं और वहीं जानवर पीते हैं, हमने वो दृश्य देखे हैं। लेकिन आज देश में 75 साल में जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब ऐसा हो रहा है, तब ऐसा सुधार हो रहा है, तब ऐसा परिवर्तन हो रहा है, तब ऐसा बदलाव हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ये बहुत दुखद है। मनीष कश्यप के जो माता जी है वो तरह तरह के जो है सरकार पर आरोप लगा रही है, क्या कुछ लग रहा है? ये एक आरोप तो ये लगा रही है कि जब हमारे बेटे के यानी कि रिहाई के लिए जो है 65 लाख रुपया खर्चा हो सकता है तो ये 10-12 लाख के जो सामान है उसके वापसी से क्या होगा? ये उनका कहना बिल्कुल सही है, उनकी बात सही है, उनका दुख सही है, उनका दर्द सही है, उनकी पीड़ा सही है, उनकी चेतना सही है कि इसके बाद भी उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, ये बहुत गलत है, ये सोचने की बात है। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जितना उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जितना उनके साथ, बहुत गलत है। एक सैनिक की पत्नी
एक सैनिक की पत्नी, वो सैनिक जो देश की सुरक्षा के लिए अपने को सर्वोच्च बलिदान दे देता है, उस सैनिक की पत्नी को अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से लड़ना पड़ रहा है, NSA से लड़ना पड़ रहा है, ये बहुत दुखद है, ये बहुत चिंता का विषय है बना हुआ। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। तो क्या बैंक द्वारा जो उसके ऊपर FIR किया गया, आप उसके के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब तो ये बन रहा है क्या वो गलत? मैं ये सवाल उठा रहा हूँ, जिसका स्वयं का भाई छोटा बैंक में था, जिसका छोटा भाई स्वयं बैंक एम्प्लॉय रहा हो, वो बैंक वालों के साथ गलत करेगा? तो क्या बैंक वालों के साथ झूठा साजिशवर? हाँ, बैंक में वो लोगों के अधिकारों के लिए, क्योंकि कुछ बैंकें ऐसी हैं सरकारी जो ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं, गलत सलूक करती हैं, और इसीलिए हमारे देश की जो मूल बैंकें थीं उनकी जगह पर प्राइवेट बैंकें आईं, प्राइवेटाइजेशन हुआ, उनमें लोगों को सम्मान मिला, लोगों की इज्जत मिली, जिसकी वजह से उनका दुख दर्द दूर हुआ और लोगों ने वहाँ से अपने को किनारे किया, वो वहीं के वहीं रह गई। तो इसलिए उनके व्यवहार को लेके तो मनीष कश्यप की शिकायत हो सकती थी, उस में गया हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं मनीष कश्यप कि अपना जो उसका खुद का भाई भी बैंक में हो और वो बैंक कर्मचारियों के साथ कोई गलत व्यवहार करे। क्या लग रहा है जिस तरीके से जो है अभी बिहार में बहुत सारे ऐसे मामला देखा जा रहा है जिसमें किसी भी पत्रकार के ऊपर जो है अचानक से FIR कर दिया जा रहा है, हमारे देश के कानून व्यवस्था इतना है ऐसा है कि उसके सुनवाई में कई एक महीना लग जाता है, इसके लिए कोई कानून नहीं ये बने। तो है गलत, ये गलत है, लेकिन कानून है, उनका प्रयोग करें। सरकार में विपक्ष में बैठे लोग इस बात को उठाएं, विपक्ष के लोग आवाज़ उठाएं, विपक्ष लोकतंत्र को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साधन होता है, अगर विपक्ष मजबूती से कार्य करे तो निश्चित तौर पर हमारे देश का लोकतंत्र भी बचेगा, पत्रकार भी सुरक्षित होंगे, पुलिस भी सुरक्षित होंगी, गाँव का गरीब गलित दोषित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम बेसहारा रिक्शा वाला रेड़ी वाला पान वाला मोची दुकान वाला जो फुटपाथ वाला सब्जी बेचने वाला जो अपना मेहनत मजदूरी करके दिहाड़ी मजदूरी करके साइकिल के पंचर की दुकान वाला जिसके पास आज कमान रहता है और शाम को खाता है, उसके भी अधिकार सुरक्षित होंगे, उसके मूल अधिकारों की भी बचत होगी। अंत में जाते जाते एक और सवाल रहेगा कि क्या लग रहा है जिस तरीके से कल जो है मनीष कश्यप के कुर्ती जब्ती वाला सामान वापस किया गया, मनीष कश्यप को कब तक रिहा मिलेगा? मनीष कश्यप को जल्दी रिहा होगा, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री सिद्ध नहीं कर पाएगी कि दो राज्यों के बीच कभी विभेद हुआ है, दो राज्यों के बीच कभी समस्या हुई है, दो राज्यों के बीच कभी झगड़ा हुआ NSA के द्वारा। NSA का मतलब क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए मनीष कश्यप, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मजबूती के साथ कह रहा हूँ, पूरे हृदय से कह रहा हूँ, मनीष कश्यप कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था, नहीं है। तो जैसा कि आपने सुने कि किस तरह से जो है जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह सर थे, इन्होंने जो है मनीष कश्यप पर जो अपना विचार रखे, फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट में लिखते हुए जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।